वीडियो में आपको मैथमेटिक्स का क्विज नंबर 4 कराने वाला हूँ, ठीक है। इसमें मैं आपको 20 क्वेश्चन सॉल्व करके बताने वाला हूँ, जो कि आपके आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो इस तरह के मैं आपको 20 सेट प्रोवाइड करने वाला हूँ, तो आप लोग जो है हर एक सेट को देखिए, जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद मैंने रीजनिंग का भी सेट अपलोड किया हुआ है, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि 24, 36 और 40 के सबसे कम सामान्य गुणा बताएं। इसका मतलब ये हो गया सबसे कम सामान्य गुणा, मतलब लोवेस्ट, यानी एलसीएम की बात कर रहा है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। लोवेस्ट यानी सबसे कम, सामान्य मतलब कॉमन, गुणा मतलब मल्टीपल, यानी एलसीएम यानी लसा की बात कर रहा है आपसे निकालने के लिए। तो आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो 24, 36 और 40 का लसा कौन सा होगा, तो ऐसी संख्या होगी जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो 120 देख लीजिए, 36 से डिवाइड नहीं होगा, 120 नहीं होगा। अगर 240 की बात करें तो 240 भी 36 से डिवाइड नहीं होगा, 240 भी नहीं होगा, और 40 आपका यहाँ पे डिवाइड होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। अब चाहें तो आप इसको आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं, जैसे आप निकालते हैं 24, 36, 40। दूध और पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर भी 20% का फायदा हो, ठीक है। तो देख लीजिए, मान लीजिए कि दूध है 100 रुपया केजी, 100 रुपया पर केजी, 1 केजी का दाम है, और जो मिश्रण है, मिश्रण को भी कह रहा है कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर, तो क्रय मूल्य पर बेचने का मतलब हो गया कि 100 रुपया पर केजी के हिसाब से ही बेचें, क्रय मूल्य के बेचने पर 20% का फायदा हो। तो बट जब इसमें मिश्रण है तो इसका मतलब कुछ पानी इसमें मिला हुआ है, तभी तो इसमें 20% का फायदा हो रहा है। तो जब 20% का फायदा होगा तो इसका मतलब 120 की बात करेगा, है ना। 100 रुपये में खरीदा, 120 मिला, तभी तो 20% का फायदा हुआ। तो अब यहाँ पे दूध और पानी का अगर मिश्रण अनुपात पूछा हुआ है तो आप क्या करेंगे, जैसे पानी की मात्रा यहाँ पे कितनी हो जाएगी, पानी की मात्रा को अगर आप यहाँ पे सॉल्व करें तो देख लीजिए 20, यहाँ पे 20 यूनिट पानी की मात्रा होगी, क्योंकि 100 तो पूरा का पूरा दूध था, तो पानी कितना होगा, 20 होगा, और टोटल क्या था, 100 था। तो 20/100 कितना आ जाएगा, 1/5। तो यानी कि 5 यूनिट अगर दूध होगा तो उसमें 1 यूनिट पानी होगा। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि दूध और पानी का जो अनुपात है, 5 यूनिट दूध है तो 1 यूनिट पानी है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही आंसर इसका होने वाला है, ठीक है। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि वर्ष 2007 में विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या इतनी हो, तो दिए गए 3 विषयों को चुनने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या कुल विद्यार्थियों का लगभग कितने प्रतिशत थी, ठीक है। तो वर्ष 2007 में आप देखिए विद्यार्थियों की संख्या, सॉरी यहाँ पे फिगर तो दिया ही नहीं है, तो बिना फिगर का इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि जब फिगर दिया होता तो सॉल्व करते, तो इस क्वेश्चन को ऐसे ही फिनिश कर देते हैं, क्योंकि इसमें पता नहीं है, है ना, कि वर्ष 2007 वाला जो फिगर है यहाँ पे शो नहीं हुआ है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए कह रहा है कि इसका बस केवल मल्टीप्लाई करके माइनस करना है। तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 5 हो जाएगा 25, और 2 अंक के पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा माइनस, यहाँ पे भी हो जाएगा 25, पर 3 अंक के पॉइंट है तो 3 अंक पे लगा देंगे। अब इसको आपको माइनस कर देना है, 0.25, 0.025, तो यहाँ पे 0 बढ़ा करके माइनस कर लेंगे, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 0.225, ठीक है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। वह छोटी छोटी संख्या जिसे 12 अथवा 10 अथवा 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 6 शेष है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन को करने के लिए जब यहाँ पे अथवा अथवा लिखा हो तो इन सबका आप एलसीएम ले लीजिए। तो 12, 10 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, ठीक है। 12, 10 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब उसके बाद बोला है प्रत्येक दशा में 6 शेष है, तो अब 6 शेष रहने वाला है, और ये पूछा है कि वो छोटी से छोटी संख्या आपको बतानी है कि हर दशा में 6 शेष रहे। तो एलसीएम ऐसी संख्या होती है जो तीनों से डिवाइड हो जाएगी, मतलब 12 से भी डिवाइड हो जाएगी, 10 से भी डिवाइड हो जाएगी, और 8 से भी डिवाइड हो जाएगी। तो जब इसको 6 शेष रहना चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, 6 इसमें प्लस करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 126। तो यहाँ पे 126 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ए अपने घर से विद्यालय 3 किलोमीटर/घंटे की चाल से जाने पर 5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 4 किलोमीटर/घंटे की चाल से चले तो समय से 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो घर से विद्यालय की दूरी बताइए कितनी है।
ऐसे कंडीशन को करने के लिए क्या करते हैं, देखिए जो शॉर्ट का तरीका रहेगा कि अभीष्ट दूरी, मान लीजिए दोनों के बीच में दूरी कितनी है, मान लीजिए दोनों के बीच में दूरी एक्स है, ठीक है, दोनों के बीच में दूरी कितनी है, एक्स है। तो अब यहाँ पे देखिए अंतर क्या हो रहा है, जब ये 3 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलता है तो 5 मिनट देरी से पहुंचता है, और 4 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो मतलब पहुंचना यहाँ पे है, तो एक बार चलता है तो 5 मिनट देर हो जाता है, ठीक है, और एक बार चलना होता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो जगह आप डिफरेंस अगर इसका देखें तो टोटल 10 मिनट का आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंस आपका कितना आ गया, 10 मिनट का आ गया। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो डिफरेंस दिया गया है इसको पहले बदल दीजिए किसमें, आर में। तो जब इसको आर में बदल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 मिनट है ना, तो 10/60, 1/6 आर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब क्या करना है, जैसे ही आपका टाइम आ जाता है तो आप क्या करेंगे भाई, जो देरी से जा रहा है मतलब ज़्यादा टाइम लगेगा, और जो पहले पहुँच रहा है उसको टाइम कम लगेगा। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस इतनी है, स्पीड कितनी है, 3 है। यहाँ पे डिस्टेंस एक्स है, स्पीड कितनी है, 4 किलोमीटर पर आवर है, और ये इस टाइम के बराबर हो जाएगा। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा LCM 12, ऊपर क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल टू 1/6। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 2 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, 7 में देखिए क्या कह रहा है कि 1,000 रुपये का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 331 रुपये हो जाता है, तो समय ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए कितना समय लगेगा, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो मैंने एक चीज़ बताया था कि 1,000 का जब 10% आप निकालेंगे तो कितना आएगा, 100 रुपये। तो ये पहले साल का ब्याज होगा, फिर दूसरे साल में क्या होगा, 100-100 ये तो मिलता ही रहेगा, ठीक है। फिर इस वाले ब्याज पे भी ब्याज मिलेगा, तो इसका 10% जब निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 10 रुपये आ जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे भी हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसका 10% अगर आप देखेंगे तो 10 रुपया, फिर इसका अगर 10% आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 रुपया। अगर आप इन तीनों को जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है, 331 रुपया। तो आप समझ जाइए कि 3 साल का ये ब्याज दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि 36920 में छोटी छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए कि योगफल 137 से पूर्णतया विभाजित हो जाए, ठीक है। तो आप क्या करिए कि इस जो ये संख्या दी गई है इसमें क्या करिए, इसको डिवाइड कर दीजिए। तो 36920 को 137 से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए कितनी बार जाएगा, 2 3 39, यानी 2 बार जाने वाला है। तो 7 × 14 = 4 = 3 × 6 = 7, और 2 × 1 = 2, ठीक है। तो ये हो गया 5, 16 में से 7 गया 9, आ गया यहाँ पे 2। तो 3 × 78 + 3 = 91, यानी 7 बार जा रहा है। तो 7 × 7 = 49, 7 × 3 = 21, 4 = 25, कितना बचा, 2 7 × 7 = 9। तो यहाँ पे देखिए ज़्यादा हो गया, तो 7 बार नहीं जाएगा, 6 बार ही जाएगा। तो 6 से गुणा करते हैं, 7 × 6 = 42 का 2, कैरी आया 4, 6 × 3 = 18, 4 × 22 का 2, कैरी आया 2 6 × 8, तो 0 3 1, अब ये आ गया 0, ठीक है। अब इसके बाद 13 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये लगभग 9 बार जाने वाला है। तो देख लेते हैं, 9 7 = 63, कैरी कितना आया, 63 का 3 कैरी आया 6, 9 3 = 27, 3 3 = 33 का 3 कैरी 3, और 9 1 = 9 3 = 12, ठीक है। अब इसको देख लीजिए, ये आ गया 7, ये हो गया 6। तो आपके जो शेषफल आया है, जो रिमाइंडर हो गया, वो कितना हो गया, 67 आपका यहाँ पे रिमाइंडर हो गया। तो बोला है कि 137 से पूर्णतया विभाजित हो जाए, छोटी छोटी संख्या में क्या जोड़ा जाए कि 137 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। तो मतलब इसमें क्या जोड़ें कि 137 के बराबर आ जाए, इसका मतलब जो एक्स की वैल्यू होगी, 137 - 67 कर देंगे तो आपका आ जाएगा 70। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि इसका साधारण भिन्न बताइए। तो ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जितने अंक पे पॉइंट है, जैसे 1 लिखा हुआ है तो 1 लिखिए और पॉइंट बना के ऐसे 0 बढ़ा दीजिए, क्योंकि इधर भी पॉइंट वाला एक अंक है, इधर भी है। तो 8 से कट गया, तो कितना आ गया, 6/10। अब 2 से कट करेंगे तो 2 3 जा 2 2 5 जा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा, क्लियर है। यदि मिटाने वाले रबड़ों के भाव में 25% की कमी की जाए तो व्यक्ति 1 रुपए में 2 रबड़ अधिक खरीद सकता है, 1 रुपए में प्राप्त रबड़ों की संख्या कितनी है, क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। तो देख लीजिए कि मान लीजिए कि जो शुरुआत वाली कंडीशन है कि 1 रुपए में 2 रुपए, मान लेते हैं 1 रुपए में पहले एक्स रबड़ खरीदता था, ठीक है, एक्स रबड़ खरीदता था, बोल रहा है कि कमी कर दी जाए। तो अगर 25% की अगर कमी कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 रुपए को हम इसको लिखते हैं सीधे 70 100 पैसे। तो 100 पैसे में एक्स रबड़ खरीदता था, तो 25% की जब कमी कर दिए तो मतलब कितना हो गया, 75 पैसे। तो 75 पैसे में 2 रबड़ अधिक खरीदेगा, 75
75 पैसे की जब कमी कर दी जाएगी तो 1 रुपए में वो 2 रबड़ अधिक खरीदेगा, ठीक है। तो 75 पैसे में अब हो गए कितना, एक्स रबड़, ठीक है, एक्स रबड़ हो गए 75 पैसे में रबड़। तो 1 पैसे में कितने रबड़ हो जाएंगे, 1 पैसे में हो जाएंगे एक्स बटे 75 रबड़, ठीक है, एक्स बटे 75 रबड़। तो अगर आप 100 पैसे में अगर यहाँ से देखें तो 100 पैसे में कितने रबड़ हो जाएंगे, तो एक्स बटे 75 मल्टीप्लाई में 100 रबड़। इतनी चीज़ें आ गई। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 25 या 75, 25 चौका 100, कितना आ गया, 4x/3 रबड़। इतना बात समझ गए। तो अब ए भी जो है 100 पैसे में, यहाँ पे एक्स रबड़ है, यहाँ पे 100 पैसे में इतना रबड़ है, तो यहाँ पे रबड़ तब मिल रहा है जब उसके यार रेट कम हो चुका है। तो मतलब यहाँ पे जो रबड़ों की संख्या है वो कम है, यहाँ पे रबड़ों की संख्या क्या है, ज़्यादा है। तो 4x-3, क्योंकि ये ज़्यादा कम रेट पे मिल रहा है ना, तो माइनस एक्स करेंगे तो इसमें अंतर कितने का आ गया है, 2 रबड़ का आ गया है, ठीक है। तो इक्वल टू, इसीलिए मैंने 2 के बराबर किया है। तो बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 3 यहाँ पे कितना हो जाएगा, x/3=2, तो x कितना आ जाएगा, 6। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, मतलब 10 वस्तुओं का जो सीपी है 16 के SP के बराबर है, मतलब यहाँ पे जो 6 वस्तु है उनका लॉस हो रहा है, ठीक है। और लॉस हमेशा किस पे होता है, क्रय मूल्य पे होता है। तो यहाँ पे क्या बोला है, 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य पे वो बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लॉस के लिए जो लिया जाएगा ना, 16 को लिया जाएगा, नीचे 16 आएगा। एक चीज ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन में जो इधर वाला डेटा होता है 16, ठीक है, SP के साथ उसी को लिया जाता है, into 100 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 2 से कट करेंगे तो 3 2 8 16 into 100। अब 4 से कट कर लें तो ये हो जाएगा 25, और ये जाएगा 2, ये हो गया 75/2, मतलब 37.5% आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, एक खिलौने को 10.80 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, इसे कितने रुपए में बेचें कि 20% का लाभ हो। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अगर इसको 10% इतने में बेचते हैं तो 10% की हानि होती है। तो देखिए CP इक्वल टू क्या होता है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर इंटू CP इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर इक्वल टू SP, ये मैंने बताया हुआ है। तो CP हमको नहीं पता है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर में कह रहा है 10% की हानि, मतलब 90% हुआ, ठीक है, इक्वल टू 10.80। बस इसको आपको सॉल्व कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे सॉल्व कैसे होगा कि CP इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10.80 मल्टीप्लाई में 100 चला जाएगा अपॉन में 90। देखिए पॉइंट से, इस पॉइंट से ए पूरा का पूरा कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 10.80/90, ए से कट गया तो 9 वन जा यानी 12 आ गया, CP आ गया 12। अब बोला कितने रुपए में बेचें कि 20% का लाभ हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे 20% का लाभ चाहिए इस पे, तो इसको कितने में बेचना पड़ेगा, 120/100 में। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, तो 12 बार 144/10 यानी 14.40। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। 13 में कह रहा है कि 2 किलोमीटर लंबी एक सड़क के दोनों किनारों पर समान दूरियों पर 201 पेड़ लगाए गए हैं, 50 मीटर किमी एक सड़क पर उसके दोनों किनारों पर कुल मिलाकर ऐसे कितने पेड़ लगाए जाएंगे ताकि दो क्रमागत पेड़ों के बीच की दूरी 2 किलोमीटर रहे, और लंबी सड़क के दो क्रमागत पेड़ों के बीच की दूरी बताइए। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो एक चीज देखिए कि दो पेड़ों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, 2 किलोमीटर होनी चाहिए ना, दो क्रमागत पेड़ों के बीच की दूरी वही रहे जो 2 किलोमीटर लंबी सड़क के दो क्रमागत पेड़ों के बीच की दूरी है। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए क्या बोला है, 2 किलोमीटर लंबी एक सड़क के दोनों किनारों पर समान दूरियों पर कुल 201 पेड़ लगाए गए हैं। तो देख लीजिए, जब 201 पेड़ लगाए गए हैं, 201 पेड़ है ना, तो कभी भी दो पेड़ मिलते हैं तो उसके बीच की एक दूरी काउंट होती है। तो यानी 201 पेड़ है तो उसमें से एक दूरी माइनस हो जाएगा, तो यानी टोटल दूरी जो आएगी आपकी कितनी आएगी, 200 दूरी आएगी, 200 डिस्टेंस यहाँ पे कवर होगा, ये चीज क्लियर है। अब उसके बाद देखिए बोला है 2 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर में होता क्या है, 2000 मीटर, और नीचे कितनी है, एक का दूरी कितना है, 200। तो ये मैं बता रहा हूँ दो पेड़ों के बीच की दूरी, दो पेड़ों के बीच की दूरी, बीच की दूरी, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, जब इसको आप इससे कट करेंगे तो 2020 कट जाएगा, आ जाएगा 10 मीटर, यानी दो पेड़ों के बीच की दूरी कितनी है, 10 मीटर है, क्लियर है। अब आगे देखिए क्या बोला है कि 50 किमी लंबी एक सड़क पर उसके दोनों किनारों पर, 50 किलोमीटर लंबी एक सड़क है उसको दोनों किनारों पर कुल मिलाकर कितने पेड़ लगाए जाएंगे, ठीक है। तो देख लीजिए कि 10 मीटर की दूरी पे एक पेड़ लगेगा। अब 50 किलोमीटर है तो 50 इंटू 1000 किया, तो इतना मीटर टोटल दूरी हो गई इतनी मीटर।
अब बोला है कि और एक एक मीटर की दूरी पे, ठीक है, दोनों के बीच में कितनी 10 मीटर की दूरी होना चाहिए, तो 10 मीटर आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब उसके बाद ये तो हो गया कि इतने पेड़ लगेंगे प्लस एक एक्स्ट्रा पेड़ भी तो लगता है, तो आप इसको काउंट कर लीजिए, त्रिविध दूरी काउंट होती है। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 0 1 कितना हो जाएगा, 5000 प्लस 1 यानी 5001 पेड़ हो जाएगा, 5001 पेड़ हो गया। अभी आपको पता चल गया कि पेड़ों की संख्या कितनी होगी, 5001 पेड़ों की संख्या होगी, ठीक है। अब बोला है कि अब ये तो हो गया सड़क के एक तरफ, और सड़क के दूसरी तरफ भी इतने ही पेड़ लगेंगे, बोला है ना, लंबी सड़क के दो क्रमांक। तो यहाँ पे सड़क के दूसरी तरफ भी पेड़ लगेंगे, तो 5001 एक तरफ हो गए और दूसरी तरफ भी इतने ही पेड़ लगेंगे, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा कितना, 10002 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है, किसी वस्तु को 8000 रुपये में बेचने पर क्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर हानि होती है, इस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, ठीक है। तो इसका सीपी आपसे पूछा हुआ है, बोला है कि हानि कितनी होती है क्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर, तो यहाँ पे आपकी हानि हो रही है सीपी के 1/5 के बराबर। तो आपको पता है कि सीपी का 1/5 का मतलब कितना होता है, 20%, यानी हमेशा 20% के बराबर नुकसान हो रहा है उसको, तो सीपी आपसे पूछा हुआ है, तो 8000 में बेचा जा रहा है ना, तो सीपी इंटू 20 मल्टीप्लाइंग फैक्टर, भाई हानि हो रही है 20%, यानी 20% की क्या हो रही है, 1/5 भाग के बराबर हानि होती है, मतलब ये हानि दिया गया है, हानि हानि कितना है आपका, 20% है। तो यानी जब हानि 20% है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो सीपी इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर इक्वल टू एसपी होता है, तो यहाँ पे जो हानि होता है 20% की हानि होगी तो कितना बचा, 80%, तो 80/100 इंटू 8000 है ना, एसपी की वैल्यू रख देंगे, बस इसको अब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 0 0 कट गया, 8 से कटेगा आ जाएगा 1000, 1 0 बचा है तो उसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 10000 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। मान लेते हैं अंकित मूल्य एक्स है, इसके मूल्य पर 20% की छूट देने पर, 20% की छूट दिया तो कितना हो गया, 80% हो गया, देने पर उसे 25% का लाभ होता है, मतलब क्या हुआ कि 20% का छूट दिया, मतलब इतने में बेच रहा है ना, छूट देने के बाद ये इतने में बेच रहा है, तो ए हो गया आपका एसपी। तो मैंने क्या बोला, सीपी इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर, तो सीपी आपका कुछ है, मान लीजिए किसी वैल्यू में वो खरीदा हुआ है, तो वस्तु का क्रय मूल्य इतना रुपए हो, तो सीपी यहाँ पे दे दिया 432 रुपये, तो यहाँ पे 25% का उसको लाभ हुआ है ना, तो 125/100 यहाँ पे रखेंगे, बस इसको आपको सॉल्व कर देना है, आंसर आ जाएगा। मैंने एक रामबाण फार्मूला बताया हुआ है, आप मेरी वीडियो में जाके देख सकते हैं, इससे सारे क्वेश्चन हो जाते हैं सीपीएसपी के, ठीक है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए 25 चौका 100, 25 25 125, 4 से कट जाएगा, तो 4 एकम 4, 4 8 32, तो अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5 से कट जाएगा 16 बार में, ठीक है, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 108 मल्टीप्लाई में 100 चला जाएगा और 16 डिवाइड में आ जाएगा, तो 4 से कट करेंगे, 4 चौके 16, 4 2 8, 4 7 28, फिर 2 से कट कर लेते हैं, 4 से कट कर लेते हैं 25, तो 25 का इसमें गुणा कर लेंगे, तो 25 छक्का 150, यानी ये कितना आने वाला है, 675, तो 672 आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो रहा है। बराबर B/3 तथा B/C/2, तो ABC का रेशियो आपसे पूछा है, तो यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, देख लीजिए A/B कितना हो जाएगा, A इक्वल टू है B/3, तो A/B कितना हो जाएगा, यहाँ B देखिए इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1/3। अब यहाँ पे देखिए B/C आपको यहाँ पे कितना मिलने वाला है, 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे जो ABC की अगर बात करेंगे तो 1/3 है, और यहाँ पे क्या है, 1 B और C में 1/2 है, तो इसके लिए मैंने बताया था इसका यहाँ मल्टीप्लाई, इसका यहाँ मल्टीप्लाई और इसका यहाँ मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर हो जाएगा 1:3:6, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्लियर है। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 17 17 में देखिए क्या कह रहा है कि एक घनाभ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतना 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 है, तो इसमें 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों को विभाजित कर दिया जाता है, तो यदि विभाजन से पूर्व घनाभ के सभी सतहों को नीले रंग से रंग दिया गया हो तो छोटे घनों की संख्या बताइए, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं है, सिंपल सा, बड़े वाले घन का आयतन लंबाई गुणते चौड़ाई गुणते ऊंचाई, छोटे घन का आयतन 1 × 1 × 1, तो आपका आसन कितना हो जाएगा, 5 × 20 = 60, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सब्जी विक्रेता 1 रुपए में 2 की दर से नींबू खरीदता है तथा 3 रुपए में 5 की दर से नींबू बेचता है, तो उसे
उसका ला प्रतिशत बताइए। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको इधर वस्तु रखना होता है और इधर मूल्य रखना होता है, ठीक है। तो वस्तु देखिए दो की दर से, यानी दो वस्तु है 1 रुपए में और 5 वस्तु है 3 रुपए में। तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे कि बस इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ जो वैल्यू मिलती है वो होती है सीपी। तो 5 एकम 5, 3 का इधर मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया 6, ये हो गया एसपी, ठीक है। तो लाभ कितने का हुआ, 1 का हुआ, और सीपी कितना है 5 × 100। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 20% का आपको लाभ हुआ। बस एक चीज आपको ध्यान रखना होता है कि वस्तु इधर और मूल्य दूसरी तरफ रखते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे बोला है कि क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 879 लिखा हुआ है, फिर 536 लिखा हुआ है, तो इस तरह से दिया हुआ है। तो देख लीजिए यहाँ से यहाँ के बीच में पहले डिफरेंस देख लेते हैं कितना है। तो 3 और 4 और ये हो गया 343 का डिफरेंस है। फिर यहाँ पे एक डिफरेंस होगा, फिर यहाँ से यहाँ होगा, फिर यहाँ से यहाँ होगा। यहाँ से यहाँ वाले को चेक कर सकते हैं, 6 यानी 64 हो रहा है। और यहाँ से यहाँ के डिफरेंस को अगर देखें तो 11 में से 4 गया 7, फिर उसके बाद कितना आ गया 27। तो एक चीज़ हम लोगों को समझ में आ रही है कि 3 का क्यूब है, 4 का क्यूब है, तो यहाँ पे 5 का क्यूब होने वाला है, और यहाँ पे 6 का क्यूब होने वाला है, और यहाँ पे 7 का क्यूब होने वाला है। यानी यहाँ पे 6 का क्यूब अगर आप करेंगे तो 216 आ रहा है। तो 536 में 216 को आप ऐड कर दीजिए तो ऑप्शन क्या जाएगा, आपका आंसर नहीं सॉरी माइनस हो रहा है ना, आगे जाने पे माइनस हो रहा है, तो इसको माइनस करना है। तो देखिए कितना हो जाएगा, 0, 3 में से 1 गया 2, 5 में से 2 गया 3, 320 आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, खटभुज का प्रत्येक कोण कितने के बराबर होता है। तो खटभुज का प्रत्येक कोण कितने के बराबर होता है, उसके लिए आप एक चीज ध्यान दीजिए कि n-2 × 180 होता है सारे कोणों का योग बहुभुज के। खटभुज है और प्रत्येक कोण की बात करते हैं तो n का मान होता है, तो ये बहुभुज का होता है। अब खटभुज है तो n की जगह पे आपको 6 रख देना है। तो 6-2 × 100/6, 6 से कट गया 3 बार में, ठीक है। तो ये हो गया 4 × 30, तो ऑप्शन कितना आ गया, 120 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो मैंने आप लोगों को पूरे के पूरे 20 क्वेश्चन करा दिए हैं और सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे थे। आप इनको 2 बार जरूर देखिए जिससे आपका एकदम क्लियर हो जाए। तो चलिए ठीक है, वीडियो को हम समाप्त करते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।